नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 24 सितंबर दिन गुरुवार। तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना महामारी की संख्या अब तक 1,73,063 पहुँच चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,598 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में मात्र एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक कुल मरने वालों की संख्या 874 तक पहुँच चुकी है। राज्य में अब तक 1,58,546 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1,490 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार में दोबारा टीम भेजने पर अगले 1-2 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। अब चुनाव आयोग की टीम एक बार फिर से बिहार में चुनाव कराने को लेकर समीक्षा करेगी। चुनाव समय पर हो या इसको बढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों पर समीक्षा फिर से की जाएगी। ऐसे हालात में बिहार के राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। वहीं राजनीतिक के जानकार भी अंतिम समय में चुनाव आयोग की टीम का आना गंभीर बता रहे हैं। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSC ने बुधवार को सब इंस्पेक्टर, सर्जेंट और SP भर्ती के लिए आयोजित होने वाले लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.nic पर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में दारोगा व सर्जेंट के अलावा सहायक जेल अधीक्षक के पद पर बहाली के लिए मुख्य लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। बारिश को लेकर राज्य में 24 और 25 सितंबर को हाई अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा से छत्तीसगढ़ पर आ गया है। इसका असर बिहार पर भी पड़ रहा है। साथ ही अरब सागर से आ रही नम हवा की वजह से पटना समेत बिहार के ज़्यादातर जिलों में कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक SK पटेल के मुताबिक 24 व 25 सितंबर को यही सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार आ जाएगा। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि चुनावी माहौल में उन्हें विवादित बना दिया गया था। करियर में दाग न लगे इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। राजनीति में आने पर वे 1-2 दिन में फैसला लेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे बारे में मीडिया में रोज खबरें आ रही थी, हजारों आदमी फोन कर रहे थे, कहा जा रहा था कि इस्तीफा देंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव के मामले किसी को इतना विवादित बना दीजिएगा, उसका राजनीतिक चेहरा बना दीजिएगा, तो वह चुनाव कैसे कराएगा। मैंने जीवन भर निष्पक्ष होकर नौकरी की है, अब मैं अपने करियर में दाग नहीं लगा सकता, इसके चलते नौकरी छोड़ दी। बुधवार को सदर अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने OPD सेवा को बंद करते हुए सिविल सर्जन का घेराव कर हंगामा किया। आशा कार्यकर्ता वेतनमान और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग कर रही थी। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो हम सब अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। JEE एडवांस एग्जाम को लेकर परीक्षार्थी परेशान है। पटना के कई स्टूडेंट का सेंटर दिल्ली और कोलकाता के साथ अन्य दूसरे शहरों में दे दिया गया है। परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित होगी, लेकिन दिल्ली के साथ अन्य दूसरे राज्यों के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ट्रेनों का टिकट भी नहीं मिल पा रहा, जिससे अभिभावक के साथ साथ छात्र भी बहुत परेशान है। कोरोना काल के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलें व चुनाव आयोग पूरी तैयारी में जुट चुकी है। वहीं संक्रमण काल में मतदान प्रतिशत को सही रखना भी चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती बन चुकी है। लॉकडाउन लागू होने के बाद बाहरी राज्यों से अपने घर वापस लौटे प्रवासियों को भी मतदान करने का मौका मिलने वाला है। उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 18 साल से अधिक आयु के प्रवासियों के लिए पंजीकरण की विशेष सुविधा दी गई है।
अगली बड़ी खबर, फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण समेत 8 लोगों के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में ड्रग्स खरीद फरोख्त को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। यह मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र लहलादोपुर पताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दर्ज कराया है। मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होगी। उन्होंने फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर, अभिनेत्री दिया मिर्जा, अभिनेत्री सारा अली खान, जया शाह, श्रुति मोदी और फिल्म निदेशक अनुराग कश्यप को आरोपित बनाया है। पटना नगर निगम साइकिल योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत लोगों को किराए पर साइकिल देने का प्रस्ताव है। राजधानी में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हेल्दी राइड जैसी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है, लेकिन यह योजना बड़ौदा व कोटा समेत देश के कई शहरों में शुरू हुई है और फेल भी हो चुकी है। अब इन योजनाओं को पटना नगर निगम के स्तर पर शुरू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन उसका कितना फायदा मिल पाएगा यह कहना अभी मुश्किल होगा। नगर निगम प्रशासन ने ई साइकिल स्टैंड के निर्माण के लिए 72 स्थानों का चयन किया है। राज्य के लोगों के लिए जल्द ही एक और बड़ी खुशखबरी सामने आने वाली है। जी हां, राज्य में अब लोकल ट्रेनों को भी चलाने की अनुशंसा की जा रही है। कोरोना संकट के बीच मुंबई में चलाई जा रही है लोकल ट्रेनों की तरह बिहार में भी लोकल ट्रेनों के परिचालन की तैयारी है। इसके संदर्भ में रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति व रेल परिचालन शुरू होने के बाद के असर के लिहाज से ही नज़र रखी जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही लोकल ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। कोविड-19 के दौर में नियम अनुसार राज्य सरकारों के अनुमति या आग्रह के अनुसार ही ट्रेनों का परिचालन हो सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बुधवार को सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई अंग्रेजी माध्यम के छठे कक्षा में सत्र 2021-22 के लिए एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। छठी कक्षा में एडमिशन के लिए 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म www.biharboard.online पर जाकर आप भर सकते हैं। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छठी कक्षा में छात्र छात्राओं के लिए 60-60 सीटें निर्धारित है। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 17 दिसंबर को संभावित है। मुख्य प्रवेश परीक्षा 31 जनवरी को संभावित है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने आमीन के पदों पर 40 वैकेंसी निकाली है। चयनित उम्मीदवारों को बिहार सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग में नियुक्ति मिलेगी। इन भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 है। रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2020 है। आपको बता दें कि शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं साथ में आपको बता दें कि आवेदकों के आवेदन को उनकी 12वीं के प्राप्तांक व कार्य अनुभव के आधार पर सीबीटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कुल रिक्तियों के लगभग 10 गुना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बिहार के सरकारी व निजी बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मंगलवार को संपन्न हो गई। पटना में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित हुई। पटना के सेंटर पर प्रवेश के समय थोड़ी अधिक भीड़ रही। कहीं कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ तो कहीं ऐसा नहीं दिखा। परीक्षा देने आए छात्रों ने बताया कि प्रश्न सामान्य थे। प्रश्नों के अनुसार देखा जाए तो पटना विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेजों में नामांकन अधिक कटअप होगा। प्रवेश परीक्षा में कम से कम 80 से 85 तक कटअप जा सकता है। पटना विश्वविद्यालय में बीएड में छात्रों को शुल्क नहीं लगता है, वहीं छात्रों का शुल्क बहुत कम लगता है। यही वजह है कि छात्रों की पसंद पटना विश्वविद्यालय पहला होता है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए पटना के अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, छपरा, दरभंगा, मधेपुरा, मुंगेर व पूर्णिया में कुल 278 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
तो अंत की सबसे बड़ी खबर, राज्य के बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए बिहार का अब अपना रोजगार पोर्टल बना है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा यह राज्य स्तरीय नियोजन पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर राज्य के साथ साथ देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का भी समेकित ब्यौरा उपलब्ध होगा। विभाग इस पोर्टल से बड़ी कंपनियों को भी जोड़ने की तैयारी पर काम कर रही है। राज्य में अभी तक केंद्रीय पोर्टल की मदद से बेरोजगार के निबंधन का काम किया जा रहा है। राज्य के सभी नियोजनालय के माध्यम से नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2016 से नेशनल करियर पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन का कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से अब तक 12,32,000 आवेदकों का निबंधन किया जा चुका है, मगर अब केंद्रीय पोर्टल पर निर्भरता खत्म होगी। रोजगार की चाह रखने वाले बिहार के युवा अब राज्य के अपने नियोजन पोर्टल पर ही निबंधन करा सकेंगे। आपको यह न्यूज किस तरह लगी और क्या ये राज्य के बेरोजगारों के लिए काम आएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।